हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि जो देसी लेथ मशीन होता है या फिर पुराने जमाने के जो कौन पुल्ली हेड स्ट्रोक लेथ मशीन होते हैं उसमें सिंगल स्पीड या डबल स्पीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और बिना टाइम गवाए और बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा लेथ मशीन और ये देख सकते हैं कि ये कौन पुल्ली हेड स्ट्रोक है। अब एक कौन पुल्ली हेड स्ट्रोक है जिसमें कि हमारा टोटल तीन स्टेप है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, जिसमें प्रत्येक स्टेप में दो दो भी बेल्ट लगते हैं। ठीक है, अब जो ये है नॉर्मली हम लोग का सिंगल स्पीड में चलता है, कब तक, जब तक ये बुल गियर इस गियर के साथ में अंदर में एक गियर होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे अंगली को, उसमें अटैच ना हो, यानी कि ये गियर जब तक इसमें अटैच ना हो, ठीक है, बुल गियर जब तक पिनियन के साथ अटैच ना हो तब तक वो सिंगल स्पीड में चलता है नॉर्मली जैसे हम लोग लेथ चलाते हैं उसी प्रकार से। बट अब ये आप समझ गए कि इसमें तीन स्पीड यानी कि तीन RPM में हम लोग चला सकते हैं, और इसमें तीन RPM है उसको समझना है, वो कैसे लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं उसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक लीवर है, ठीक है, यहाँ पर एक लीवर है, ये लीवर को हम लोग घुमाएंगे। किस तरह से घुमाएंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पिन है, ये पिन को हम लोग निकाल लेंगे, ये पिन को देखिए, ये पिन को हम लोग जब निकाल लेंगे उसके बाद क्या होगा, ये लीवर को उठाएंगे, ठीक है, ये लीवर को उठाएंगे और ये लीवर को उठाने के बाद में इसको हल्का सा उठा करके, अभी मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बस बता रहा हूँ समझने के लिए, ये लीवर को उठा करके हम लोग इसको वापस डाल देंगे। उससे क्या होगा, जब हम लोग इसको उठा के लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में आपको गैप नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये अलग है और अभी ये अलग है, देखिए फ्री घूम रहा है, फ्री घूम रहा है ना, ये आर्बर में ये फ्री घूम रहा है। तो जब हम लोग इसको उठा करके इसको लगा देंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये गियर उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा कि ये मशीन लॉक हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसको घुमाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पुल्ली से तो अलग है ना, एक्चुअली ये क्या है ना, ये गियर जो है ये पुल्ली से अलग है, ये इसके साथ अटैच नहीं है, तो पुल्ली से हम लोग को अटैच करना पड़ेगा। पुल्ली से अटैच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को हम लोग खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा स्क्रू को खोलेंगे, और जब स्क्रू को खोल देंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, परफेक्ट नहीं है, दिख सकता है कि नहीं। अब देखिए स्क्रू को खोलने के बाद में अंदर में आप देख सकते हैं एक और पिन है, तो ये पिन अभी जो है बाहर निकला हुआ है, ठीक है, जब भी सिंगल स्पीड में रहता है पिन बाहर निकला हुआ रहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का लेकिन नहीं दिखा पा रहा हूँ, और थोड़ा पास ले जाकर दिखाता हूँ। ये जो पिन है ना ये अभी, ठीक है ना, ये अभी सिंगल में है, बाहर निकला हुआ है, इसको खोलने के बाद वो और थोड़ा अंदर घुसेगा, ये जो पिन है ना ये और थोड़ा अंदर घुस जाएगा, यानी कि इसके बीच में आ जाएगा, ये पुल्ली में अटैच हो जाएगा। जब ये पुल्ली में अटैच हो जाएगा उसके बाद में ये गियर, ये पुल्ली और ये सब आपस में लग जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, डबल का स्पीड, इसको बोलते हैं डबल का स्पीड। शुरू में मैंने जो आपको बताया वो सिंगल का स्पीड था, ये डबल का स्पीड, इस तरह से हम लोग डबल का स्पीड लगाते हैं और मशीन स्लो घूमता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें कहां समझ में नहीं आया है, ठीक है।